सो हे गाइस यार, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। तो आज से 2 महीने पहले मैंने माइनक्राफ्ट मॉड्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसके ऊपर मैंने काफी बढ़िया बढ़िया मॉड्स कवर करे थे और उस वीडियो के ऊपर तुम्हारा सपोर्ट भी काफी अच्छा आया था। और वो वीडियो मेरे चैनल का पहला ऐसा वीडियो था जिसने 1500 से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस करे थे। तो इसलिए आज फिर से मैं तुम्हारे लेके आ गया हूँ टॉप 5 बेस्ट मॉड फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एंड बेडरॉक एडिशन। तो अब अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट के कंटेंट क्रिएटर हो या माइनक्राफ्ट के नॉर्मल प्लेयर, ये सारे मॉड सीरियसली तुम्हारे काफी काम आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम लोग मेरे से बात करना चाहते हो तो सिंपली मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना, बिकॉज आजकल मैं वहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। लिंक तुम लोगों को कमेंट्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑलराइट यार, पहले नंबर पे जो मॉड होने वाला है वो होने वाला है हम लोगों का कॉम्बैट प्लस मॉड। और इस वाले मॉड को लगाने के बाद जैसे ही तुम लोग अपने इन स्लॉट्स में कोई भी वेपन को रखोगे ना, तो वेपन तुम्हारे कुछ इस टाइप से शो होने लग जाएगा, जो कि तुम लोग देख ही पा रहे हो। भाई कितना ज्यादा सही लग रहा है यहाँ पर। बो और ट्राइडेंट भी यहाँ पर तुम लोगों को तुम्हारे पीछे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यार कितना सही लगता है देखने में। और ये सारे टूल्स और वेपन के ऊपर वर्क करता है, जैसे कि तुम लोग देख ही पा रहे हो यहाँ पर एरोज भी शो रहे हैं। और उसी के साथ साथ तुम लोग यहाँ पर क्रॉसबो देखो, भाई क्रॉसबो भाई यहाँ पर कितना ज्यादा क्लासिक लग रहा है देखने में। भाई मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। बाकी इस मॉड का ज्यादा कुछ इतना तो काम नहीं है, बस तुम लोग यहाँ पर मजे के लिए इसको यूज कर सकते हो और इससे तुम्हारा कुछ लैग वगैरह भी नहीं होने वाला गेम। तो ऑलराइट यार, ये तो था अपना पहला मॉड, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉड की तरफ। तो दूसरे नंबर पे जो मॉड होने वाला है वो शायद से तुम लोगों का फेवरेट मॉड हो सकता है, जो कि हम लोगों का ऑप्टिफाइन जूम मॉड। और ये वाला मॉड यार काफी बढ़िया तरीके से वर्क करता है। जैसे तुम लोग यहाँ पर स्नीक करोगे ना, तो तुम्हारा कैमरा यहाँ पर जूम होने लगेगा, जैसे कि तुम लोग देख ही पा रहे हो। और अगर तुम लोगों का ये वर्क नहीं करता है तो तुम लोग एक बार स्टिक अपने हाथ में लेके इसको ट्राई करना, तुम्हारा ये वर्क कर जाएगा। और इसकी सेटिंग तुम लोग यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, इसके पैक में तुम्हें मिल जाती है। और ये हर पर्सपेक्टिव से काफी बढ़िया तरीके से और काफी स्मूथली वर्क करता है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। और यार इस मॉड में बस एक ही दिक्कत है, जैसे ही तुम लोग यहाँ पर स्नीक करते हो ना, तो तुम लोग बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते यहाँ पर। पता नहीं ये प्रॉब्लम है क्या है, बट हाँ तुम लोग मूव नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और बाकी तो यार ये मॉड काफी बढ़िया है, बेसिकली बिहेवियर पैक है। और इसको यूज करने से पहले तुम लोग एक्सपेरिमेंट जरूर से ऑन कर लेना, अदरवाइज तुम्हारा वर्क नहीं करने वाला। तो अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेलते हो, ऑब्वियसली खेलते ही होगे, तो ये तो तुम लोगों को पता ही होगा कि ये इतने बड़े बड़े बटन्स भाई देखने में कितने ज्यादा अनोइंग लगते हैं स्क्रीन में, और ये जगह भी काफी ज्यादा घेरते हैं। और अगर तुम लोग एक कंटेंट क्रिएटर हो ना, तो तुम लोगों को पता ही होगा कि भाई ये कितने ज्यादा खराब लगते हैं रिकॉर्डिंग के वक्त। तो इसी के लिए तीसरे नंबर पे जो मॉड होने वाला है वो होने वाला है हम लोगों का बटन हाइडर मॉड। और इस वाले मॉड को लगाने के बाद सीरियसली तुम्हारे जितने भी बटन है ना, सब एकदम छीन टपाक डम डम हो जाएंगे। और ये सीरियसली माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट वर्जन में भी काफी बढ़िया तरीके से वर्क करता है। और इसमें ज्यादा कुछ तो बताने के लिए नहीं है, तुम लोग चाहे तो इसको यूज कर सकते हो। तो अगर तुम लोग अपने एन्चेंटेड टूल में से एन्चेंटमेंट्स को हटाना चाहते हो, तो तुम लोग सिंपली ग्राइंडस्टोन की हेल्प से हटा तो सकते हो, लेकिन उसके बदले में सिर्फ यार तुम लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपी मिलती है, और वो एन्चेंटमेंट भी नहीं मिलती जो तुमने लगाई है उस वेपन पे। तो इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो अगला मॉड होने वाला है वो होने वाला है हम लोगों का डिसएन्चेंटिंग टेबल मॉड। और इसको लगाने के बाद तुम्हारे गेम में एक नई डिसएन्चेंटिंग टेबल ऐड हो जाएगी, जो कि देखने में यार कितनी ज्यादा सही लगती है। और इसको यूज करना भी काफी ईजी है, सिंपली तुम लोगों को इसके पास जाकर यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर देना है। तुम लोगों को जिस भी टूल को यहाँ पर डिसएन्चेंट करना है उसको सिंपली तुम लोगों को बीच में रख देना है। देन तुम्हारे टूल पे यहाँ पर जितनी भी एन्चेंटमेंट्स लगी हैं सिंपली यहाँ पर उतनी तुम्हें बुक्स प्लेस कर देना है। और जैसे तुम लोग यहाँ पर एमेथिस्ट रखोगे ना, वो एन्चेंटमेंट तुम्हारे टूल से हटकर बुक में आ जाएगी, जैसे कि तुम लोग देख ही पा रहे हो। भाई कितना बढ़िया तरीके से वर्क करता है ये। और मैं दोबारा करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, जैसे मेरे यहाँ पर एक्स में एफिशिएंसी लगी हुई है, तो मैंने जैसे ही यहाँ पर एमेथिस्ट रख के बुक रखी, मेरी एन्चेंटमेंट यहाँ पर मेरी बुक पे आ गई, जो कि काफी सही चीज है। और सर्वाइवल में ये वाला मोड तुम्हारे काफी काम आने वाला है। और इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी भी अभी तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी, जिससे तुम लोग इसको सर्वाइवल में भी क्राफ्ट कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया चीज है। तो ऑलराइट यार, ये था अपना चौथा मॉड, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉड की तरफ। तो पांचवें नंबर पे जो मॉड होने वाला है वो होने वाला है हम लोगों का हेल्थ बार मॉड, जैसे कि तुम लोग देख ही पा रहे हो यहाँ पर। और इसको लगाने के बाद सिंपली तुम्हारे प्लेयर और जितने भी मॉब्स है ना, सबके ऊपर यहाँ पर कुछ इस टाइप से हार्ट शो होने लग जाएंगे, जो कि यार कितना सही लग रहा है देखने में। जैसे कि तुम लोग देख ही पा रहे हो यहाँ पर पिक के भी हार्ट शो रहे हैं और यहाँ पर वुल्फ के भी हार्ट शो रहे हैं। अबे भाई पिक के तेरे से ज्यादा हार्ट हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया। और ये सारे मॉब्स के यहाँ पर हार्ट बताता है, चाहे वो ज़ॉम्बी हो क्रीपर, सबके हार्ट्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। और ये वाला मोड ना पीवीपी में सबसे ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इससे तुम लोग चेक कर सकते हो कि तुम्हारी एनिमी के यहाँ पे कितने हार्ट्स बचे हैं, जो कि यार काफी काम आता है। और इसमें रीजनरेशन भी काफी अच्छे से शो होता है, जैसे कि तुम लोग देख ही पा रहे हो, जैसे ही मैंने यहाँ पर खाना खाया मेरे हार्ट्स यहाँ पे बढ़ना चालू हो गए, जो कि काफी बढ़िया चीज है।
तो ऑल राइट यार, ये थे अपने पांचों मॉड, और इन पांचों मॉड का डाउनलोड लिंक तुम लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके तुम लोग इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। और अगर तुम लोगों को मेरी दी गई लिंक से डाउनलोड करने में दिक्कत आती है तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा, सिंपली उसको जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। तो होप करता हूँ तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो यार पता ही क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एम करते हैं इस वीडियो पे कुछ 200 लाइक्स का। अच्छा आई नो थोड़ा सा ज्यादा है, बट मुझे पता है कि तुम लोग जरूर से पूरा कराओगे। तो ऑल राइट यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। I'm